देश के कई बड़े शहरों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो गई है। 5G नेटवर्क को लेकर ठग भी ठगी करने लगे हैं। ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहना होगा। वहीं ऐसी घटना के सामने आने के बाद SSP प्रशांत अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का फोन या मैसेज आए तो उसका रिप्लाई ना करें और ना ही किसी को अपनी निजी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि 5G सिम अपडेट के नाम से लोगों को फोन और मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें ठग जानकारी लेकर बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। SSP ने फोन पर मैसेज का रिप्लाई या निजी जानकारी ना देने की अपील की है। इनको लेकर के अलग अलग तरीके से जो साइबर क्रिमिनल से अपराध करते हैं, और अभी चूंकि 5G नेटवर्क नया नया प्रारंभ हो रहा है तो उसको लेकर के भी ऐसे कुछ जानकारी आई कि कुछ फ्रॉडस्टर्स ने लोगों को फोन करके कि आपका जो सिम है, आपका नंबर है, उसको 5G में एक्टिवेट करना है और कुछ प्रोसेसिंग के नाम पे लिंक भेज करके ठगी की है। तो सभी लोगों से अपील है इस तरीके के ठगी से सावधान रहें। कोई भी अनजान नंबर से आपको कॉल आता है तो आपको उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है।